मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई के जैन ऑडिटोरियम में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बीएस सिंघल को 27वें रामेश्वर दास बिरला राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया। प्रदेश की बैतूल जिले की साकादेही ग्राम पंचायत की सरपंच हेमलता वाड़िवा ने नई दिल्ली में सोनिया गांधी से 8वें मनरेगा दिवस पर मनरेगा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायत का पुरस्कार ग्रहण किया। और भेल भोपाल मैदान पर चल रहे हॉटी एक्सपो के दूसरे दिन भी पूरा परिसर किसानों से गुलजार रहा। नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए खबरें देखें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर भीमसेन सिंघल को एक गरिमामय कार्यक्रम में रामेश्वर बिरला राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 27वें रामेश्वर बिरला राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बॉम्बे हॉस्पिटल केवल धनिक वर्ग की ही नहीं अपितु गरीब लोगों की भी समान रूप से देखभाल करता है। उन्होंने कहा कि रामेश्वर जी बिरला एक उद्यमी ही नहीं बल्कि एक उच्च कोटि के समाज सेवक भी थे। वे समर्पित भाव से समाज सेवा में विश्वास रखते थे। बिरला ने भारत को स्वतंत्र करने में ही नहीं बल्कि उसको औद्योगिक रूप से अग्रणी बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की साकादेही ग्राम पंचायत की सरपंच हेमलता वाड़िवा को श्रेष्ठ कार्यों के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान भवन में आयोजित 8वें मनरेगा दिवस समारोह में ये पुरस्कार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपस्थिति में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिया। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश भी उपस्थित थे। ये पुरस्कार देश की 11 ग्राम पंचायतों को दिया गया। कुल 2136 आबादी वाली साकादेही ग्राम पंचायत ने वर्ष 2011-12 में मनरेगा में 14 कपिलधारा कूप निर्माण कर 17 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई उपलब्ध करवाने के साथ साथ 8 हितग्राहियों को नंदन फलोदान योजना के तहत विभिन्न प्रजाति के 860 पौधे रोपित करने के लिए उपलब्ध करवाए। उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने भारतीय शिक्षा शोध संस्थान लखनऊ एवं महर्षि पतंजलि संस्कृति संस्थान भोपाल द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद के शिक्षा विषयक विचार समग्र सामाजिक विकास के संदर्भ में 2 दिवसीय शोध संगोष्ठी का दीप जलाकर शुभारंभ किया। शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में वर्ष भर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समग्र सामाजिक विकास के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के विचार नव निर्माण के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक हैं। उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। महापुरुषों को पहचानने की आवश्यकता है। शर्मा ने कहा कि संगोष्ठी में विद्वानों के विचार विमर्श और चिंतन से जो निष्कर्ष निकलेगा उसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। भोपाल के गैस प्रभावित स्वास्थ्य रोगियों के उपचार की जहां गीराबाद स्थित पल्मोनरी सेंटर में सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सेंटर में गैस प्रभावितों के लिए 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। 50 बिस्तर क्षमता के इस अस्पताल में स्वास्थ्य और अन्य रोगों का उपचार किया जा रहा है। चिकित्सालय में लगभग 30,000 स्वास्थ्य रोगियों को उपचार प्रदान किया गया है। इस अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट एक्सरे स्वास्थ्य रोगी के लिए आवश्यक पीएमटी पीएफटी ईसीजी सोनोग्राफी बायोस्कोपी और ईएनटी वर्कस्टेशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। गैस राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सालय का उन्नयन कर वर्ष 2012 से टीएमटी और ईएनटी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। भेल के दशहरा मैदान में चल रहा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हॉटी एक्सपो किसानों से गुलजार रहा। 10,000 से अधिक किसानों ने इसमें भागीदारी की। उन्होंने प्रदर्शनी और विभिन्न स्टॉल में जाकर आधुनिक कृषि उपकरणों उद्यानिकी फसल में उपयोग की जाने वाली सामग्री और उत्पादों को देखा और खुलकर पूछताछ की। हॉटी एक्सपो के दूसरे दिन 4 सेमिनार हुए। इनके विषय थे सब्जी एवं फलों की बेहतर खेती हेतु तकनीक, जैविक खेती का महत्व, कृषि के विकास में लॉजिस्टिक का महत्व और रोग नियंत्रण प्रबंधन। सेमिनारों में देश के विभिन्न कृषि शिक्षण संस्थानों से आए उद्यानिकी और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को उद्यानिकी के संबंध में समझाया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ईएमएस टीवी न्यूज़। नमस्कार।